भाई इमरान भाई हमारे ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं, वो रहा स्कैनर वहाँ पे, अंदर जाके बताएंगे माए कहाँ है। सो फाइनली भाई अंदर एंट्री हो चुकी है, सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अभी हम कहाँ पे आ रखे हैं। अभी हम आ रखेंगे निजामुद्दीन, नियर बाय निजामुद्दीन है हिमायू टम, वहाँ पे आ रखेंगे भाई। लोकेशन बहुत ही प्यारी है, चारों तरफ देख रहे हो बना हुआ है पूरा ही देख रहे हो। तो फाइनली भाई इस बार जो मैं आपको चेक कराने आया हूँ ना, देख रहे हो भाई पुराना हो गया रे ऊपर से ना, पहले शायद ब्लू ब्लू सा था, वाइट सा था उसका वो भी पेंट। ये बंदा देखो क्या कर रहा है, पर टॉयलेट नहीं है वहां पे, मुंह तो लिया भाई कोई पकड़ के डाल लेगा, मेरे को पता भी नहीं चलेगा। भाई इसके अंदर ना देख रहे हो गुफा सी कुछ बनी हुई है, इमरान भैया कुछ देख रहे क्या है इसके अंदर। वो भाई अंधेरा पड़ा है यार, ये जेल एल सी लग रही है मेरे को, देखना जेल एल टाइप की, इसमें कोई बांध के तो नहीं डाला जाता था। तो क्या है यार ये बवाल, गेट भाई ऐसा लग रहा है ना अंदर जैसे कि जेल टाइप की नहीं होती है, वैसा लग रहा है ये ताले लगा रखे तार बांध रखे, अंदर बैठने बैठने की जगह है वह कुछ भी हो, लेकिन भाई डरावना सा। इन बंदा ये बंदा यार बोतल पड़ी बोतल में कर दे बोतल में कर दे यार टॉयलेट लग रही इस बंदे को, ये देखो तो पौआ हुआ पी लिया क्या जो शराबी वाले लक्षण कर रहे हो, करके दिखाना कैसे कर रहे थे नहीं। एक बार और कर दे भाई, ये देख रहे हो ये देखो कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। यार अब पता है मेंटेनेंस नहीं कर रहे, पैसे ले रहे हैं, कुछ दिन बाद देख रहे हो गिर जाएगा नामो निशान मिट जाएगा हिमायू टम का। अबे तो ये जो आज की डेट में बना रहे माइंड तो यहीं से उठा रहे हैं, और क्या माइंड तो यहीं से ही उठा रहे हैं। अब 10-15 साल बाद नामो निशान मिट जाएगा, जिस हिसाब से इसकी कंडीशन हो रही है ना टूट रहेगा, हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे इमरान भैया, तुम्हारे बच्चे नहीं देख पाएंगे इसे देख लेंगे, हाँ गिरी हुई इमारत देख लेंगे। यार अंदर से ना व्यू देखो बहुत ही ज्यादा प्यारा वाला आ रहा है, देख रहे हो ये देखो। सो फाइनली भाई अभी यहाँ पे पता है एक जगह नहीं है, कई सारी जगह है, मतलब एक ही जगह पे घूमने के लिए ना, जैसे एक तो ये वाली जगह होगी, दूसरी वो है और तीसरी वो झाड़ियों के पीछे है एवरन भी, चौथी ये है, तो बहुत सी जगह है भाई। देख लो रशियन आ रखी है यहाँ पे, किस किस को चाहिए कमेंट में कर देना, तुम्हें चाहिए रशियन भाई रशियन चाहिए खुदाई के दौरान नहीं मिले, सब टूटा हुआ सामान है लिख दिया इन्हें, खुदाई के दौरान मिले जो टूट गया है ना वो सब है। बॉडी मेरी सुनने सी हो जाती है जब तू मूड में आके लव यू कानों में बोलता, तारीफ क्या करूं इतनी खूबसूरत चेहरे की, नाते की हसीना तेरी जैसी पहले। असली खूबसूरती तो यहाँ पे है इमरान भैया, असली खूबसूरती के पास तो आए हैं, फाउंटेन चल रहा है भाई चैन में, कुछ कहना चाहोगे देखना जी देखो।
अभी इसके ऊपर चल रहे हैं, फोटो वोटो यहाँ पर शूट करा ले फिर चल रहे हैं इसके ऊपर। भाई ये है भाई, मैं कह रहा ताजमहल ज़्यादा खूबसूरत तो मेरे को यही लग। सो फाइनली भाई ऊपर आने के बाद व्यू देख रहे हो, कुछ ऐसा व्यू आ रहा है भाई। हमारे इमरान पाशा बदमाश फोटो क्लिक कराते हुए वित्र सिंह चले अंदर चल के देंगे अंदर, अंदर भी भाई दिखाते हैं कैसे। अच्छा हमारे अंदर ही लेटे हैं, गुफ्तगु कर रहे हैं। ये एडमिट कार्ड वो एडमिट कह रहे हो, वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, चलते हैं फिर मिल के आते हैं भाई। इमरान भैया तुम्हारी भी इसी के बगल में कब्र खुदवा दूंगा, ठीक है आ जाओ। इमरान भैया तुम्हारा रिश्तेदार हफ्सी आ गया भाई। लेकिन अब हेलो, अब क्या दोबारा क्या ना दोबारा कहो सपने में भी आ जाओ, वीडियो बनाओ क्या अरे वीडियो बन रही थी वो उसकी कह रहा है यार ऐसे तो चूतिए लोग नहीं, ऐसे चूतिए पड़े हैं देश में जिन्हें कोई कहना नहीं है। चेक इट गाइस, अंदर से भी चेक कर लो कैसा है, फिर तुम्हारे यहाँ पर सबकी पोछा लगाने की ड्यूटी लगवा दूंगा भाई। प्योर जा रही है यही है क्या हिमायू, यही है हिमायू, निकालो बाहर गुफ्तगु करें। भाई दो जगह और रहे, दो डेस्टिनेशन और रहे, उन्हें भी कवर करके फिर चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ। वाह भाई चोरी करते हो, पकड़ लिया ना चप्पल ही चप्पल पड़ेंगे। वह नहीं हो अभी ताला लगा अंदर कवर है, मेन चीज तो नीचे ही है। हाँ हाँ ऊपर तो सिर्फ वो बना रखा है, असली चीज तो नीचे है ना। ये तब का है कि अभी का गेट बनाया हुआ, उसी टाइम का है। हाँ कि अब तुम तैयारी करनी है, बातें भी तुझसे मुलाकातें भी तुझे भी पता है तेरे बिना जिए जाता। भाई वीडियो बन रही थी फर्रे के फर्रे बोल दिए थे, कैमरा ऑन ही नहीं करा था, अब दोबारा मेरे को बोलना पड़ रहा है। जो ये सब इतने ताजमहल वगैरह हिमायू टम्ब कुतुब मीनार लाल किला वगैरह बनाया है राजा महाराजाओं ने, वो पता क्यों बनाया है, क्योंकि उन्हें पता था आने वाले टाइम पे हमारे वो वीडियो बनाएंगे ब्लॉग बनाएंगे रीले बनाएंगे, तो इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई थी ताकि हमारा मनोरंजन होता रहे। वरना ये सब चीज़ें नहीं होती तो आज हम किसी नाली पे या किसी नाले किनारे पड़े होकर वीडियो वीडियो बना रहे होते, क्यों भाई सही बात है ना। भाई ये देखो पीछे ये किए देख लो, हाँ हाँ ला बिल्कुल ऐसी पड़े हो तो तेरी ऐसी पड़े हो किसी नाली वाली किनारे वीडियो बना रहे होंगे भाई ये सब काम मत करो यार। यार ऊपर सोने का लगा है क्या, नहीं वो तो कब का इन्हें उठा लिया होगा, पीतल तांबे अम्बे का लगा दिया होगा मेरे पास ना एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स, एक चीज है मतलब चीज क्या है ये देख लो, ये मैंने अभी आगे से लिया है इतर, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये इतर में ना कुछ खास बात है, एक तो नॉर्मल है दूसरा जादुई है। अब जादुई इसमें क्या है अभी मैं कोशिश करता हूँ जाके, जैसे एक दो बंदा अगर कोई मिल गया ना रिएक्शन वीडियो शूट करूँगा, ये इतर लगाने के बाद ना बंदे का माइंड ना सुन बढ़ जाता है, मतलब एक अजीब चीज कहते हैं ना इसमें वो आती है जो बंदा झेल नहीं पाता है, ब्लैक आ रही है तो इस ये वाला इतर है ना वाइट वाला, इसके अंदर से ऐसी एक स्मेल आती है जो बंदा पता झेल नहीं पाता है। तो मैं अंकल जी को इतर चुहाता हूँ, अंकल जी बताएंगे किसका बेस्ट है। एक ये है इससे लगा लीजिए, ये भी बताते भी तुझसे मिला पाते भी तुझे भी पता।
कैमरा बताइए सही है, दूसरा लाभ लीजिए इसमें, आपको बताना है इसमें कैसी स्मेल आती, इसकी बताइए कैसी आ रही है। इसमें कैसे आ रही है, ये ना एक्चुअली में क्या है, लहसुन होता है ना, लहसुन का है यार। हाँ ये यार असर का टाइम हो रहा था, मतलब मैंने कभी अजान लगाई तो नहीं है, अजान लगाने भी मतलब आती है लेकिन कभी मैंने अजान लगाई नहीं, अभी थोड़ी कोशिश करी है यहाँ पे अजान लगाई, तो उसका ना हल्की सी क्लिप सिर्फ मैं वीडियो में डाल लूँ, और अभी असर का टाइम भी हो गया तो असर की अजान लगाई है, लो भाई टोपी। तो इस वीडियो के बाद मैं हल्की सी क्लिप है मेरी खुद की जो मैंने वीडियो में डाली, आप कमेंट करके बताना कैसी आपको लगी, ठीक है। एक्चुअली मैं बताऊँ ना, ये जो इतर आपको दिख रहा है ना, ये लहसुन का ना लिक्विड है और उसके अंदर कई तरीके के केमिकल मिले हुए हैं, जिससे आदमी अगर डायरेक्टली से सूंघता है ना तो माइंड में एक इतनी तेज अजीब सा लगता है जाके, जिससे माइंड एक टाइम के लिए काम करना बंद कर जाता है, तो जो भी बंदा ये सूंघता है ना एक टाइम के लिए थोड़ा सुन्न सा पड़ जाता है कि ये क्या गंदी सी स्मेल सूंघा दी मेरे को, तो वही अभी अंकल के साथ हुआ था। हाँ वही वही वही, तो भाई मिले इन भाई को सुहाते, ठीक है, अपने हाथ भी दिखाइए, राइट लेफ्ट कोई सा दिखा दिए, नहीं 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 सूंगो, तो खुशबू कैसी लगी, ये वो वाले नहीं है सर, अच्छी है, और ये दूसरे की बताना कैसी है, दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ में माइंड में कुछ लगाया, माइंड में नाक में लग रहा है, आ जाओ बैटरी पे कर दिया भाई उस बंदे ने, मतलब पता सही से सूंघा नहीं था। अब भाई घर की रवानगी का वक्त जो है हो चुका है, अब चलते हैं अपने घर की तरफ, लास्ट व्यू एक बताऊं शाम का, सही आ रहा है, अब यार चलते काफी टाइम भी हो गया, 5 बज गए बजने वाले, चलते फिर घर की तरफ को, गोरों की मीटिंग हो रही है, गोरू की गोरू 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 भाई हर बंदा जाता है इधर उधर, मैं कई कई के बहुत सी जगहों पे जा चुका, लेकिन मैंने कभी इन टट्टुओं के साथ फोटो उठा, अबे इनके साथ क्या, इनके तो जूते उतार के मारो और सालो इनके साथ फोटो खिंचाओ, है मेरा नहीं एग्जिट द्वार पे आपका स्वागत है, चलते हैं भाई घर की तरफ अपने, अभी भी इतर ही लेके घूम रहे हैं, इस इतर पे ना मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा इस इतर के लिए, अभी तो मैंने नॉर्मली यूज़ करा है सिर्फ, एक प्रॉपर बनाऊंगा। इमरान भाई हमारे आइसक्रीम ले रहे हैं, आइसक्रीम के ऊपर तहकीकात करते हुए, बाबा भाई ले आओ, अब इतना क्या सोच रहे हो, चलते हैं भाई फिर इमरान भैया। हाँ निकलते हैं अपने घर की तरफ, ब्लॉग कैसा हो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, ओके भाई। इमरान भैया गए हैं बाइक निकालने के लिए पार्किंग में से, हम यहाँ बैठे हैं फुटपाथ पे। लाइफ में पता यार घूमना भी ज़रूरी है, मतलब तुम कुछ भी काम करते हो या कुछ भी करते हो, पढ़ाई करते हो काम करते हो, लेकिन बाहर निकलोगे घर से माइंड फ्रेश होगा, चार लोगों से मिलोगे बातचीत करोगे, यार पैसा तो क्या है, अगर आप मैच्योर हो जाओगे जिंदगी भर आपको पैसा कमाना है, ठीक है, जिंदगी है एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जितनी है उतनी तो झीलो, कि पैसा कमाओगे रखते जाओगे 10-15-20 साल बाद फिर वो दवाई में लगाओगे।